हेलो दोस्तों, मैं हूं शान, किसान क्रेडिट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्यूपोंट के कोराजन की और बीएसएफ के वेस्टिकोर की। आप में से कई दोस्तों ने कोराजन को लेकर बहुत कमेंट किए थे कि ये दाना भरने का काम करती है या कौन सी इल्लियों को मारती है और इसके साइड इफेक्ट भी है क्या। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो में इन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे और साथ ही साथ इसकी कीमत, पैकिंग और डोज की भी बात करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखोगे तो आपको लगभग कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है, और जो नए मेहमान इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में घंटी है उसे भी दबा दीजिए, जिससे आपको खेती से जुड़ी हुई ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं छोटे सी इंट्रो के बाद, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके टेक्निकल की। इसका टेक्निकल है क्लोर एंट्रा नीलीप्रोप 18.5%। यह टेक्निकल कुछ साल पहले एफएमसी के पास था, फिर इसे ड्यूपोंट ने ले लिया। अभी ये ड्यूपोंट के पास ही है और ड्यूपोंट इसे कोराजन के नाम से बेचती है, और यही कोराजन ड्यूपोंट का सबसे बड़ा ब्रांड भी बन चुका है। और बीएसएफ भी इस टेक्निकल का मार्केटिंग कर रही है। उन्होंने इस टेक्निकल को वेस्टिकोर नाम से पब्लिश किया है। कई लोगों का एक कन्फ्यूज़न तो यहीं दूर हो जाएगा जो पूछते हैं कि ड्यूपोंट का कोराजन अच्छा है या बीएसएफ की वेस्टिकोर। तो दोस्तों, दोनों में एक ही टेक्निकल है, इसलिए दोनों के ऊपर चिपके हुए कागज़ के अलावा कोई भी अंतर नहीं। दोनों के रेट भी लगभग सेम ही है और पैकिंग भी एक जैसी है। कोराजन आपको 10 ml, 30 ml, 60 ml, 150 ml, 300 ml और 600 ml के पैक में मिल जाएगी, और इसके 60 ml की कीमत 900 रुपये के लगभग है। वहीं 150 ml के पैक की कीमत 1800 रुपये के लगभग, और 300 ml के पैक की कीमत 3550 रुपये के लगभग, और 600 ml का पैक 7000 रुपये के लगभग मिल जाएगा। इसका उपयोग आप कई प्रकार की फसलों में या सब्जियों में कर सकते हैं, जो नाम आपको इस फोटो में दिखाई दे रहे हैं। इन सभी फसलों के लिए इसका डोज अलग अलग है। मैं आपको अभी सिर्फ सोयाबीन का प्रॉपर डोज बताऊंगा। फिर सोयाबीन में इसके डोज को लेकर किसानों के दिमाग में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है, तो अभी यहीं क्लियर कर लेते हैं। कंपनी द्वारा इसका रिकमेंड डोज है 30 ml बीघा। अगर आप इसका प्रॉपर डोज डालोगे तो यहाँ आपको 350 रुपये बीघा का खर्च लगेगा, और दूसरी दवाइयों की तुलना में यह 1.5 गुना या 2 गुना अधिक है। फिर भी आप इसे 30 ml बीघा से स्प्रे करते हैं तो यह आपको 30 दिन का कंट्रोल देगी। लेकिन ज़्यादातर किसान भाई इसे 15 ml बीघा से डालते हैं, तो ये उसका आधा ही खर्च और आधा ही डोज हो गया। कंट्रोल भी 30 दिन के बजाय 15 दिन हो गया है, और खर्च 170 रुपये बीघा का, आधी इल्लिया भी नहीं मरेगी। तो फिर बचाया क्या, 170 रुपये बीघा का और आधी इल्लिया बचा ली। इससे अच्छा है कि आप दूसरी कोई दवाई डाल लेते जिसका पूरा डोज डालने पर भी आपको 120 रुपये प्रति बीघा का खर्च आता और 20 दिन का कंट्रोल भी मिल जाता। अगर कोराजन या वेस्टिकोर डालना ही है तो फिर आप सही डोज डालिए, वरना कम डोज डालकर नाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान ही है। अगर आप पूरा डोज नहीं डाल सकते तो कम से कम 20 ml से 25 ml बीघा प्रति बीघा डाल ही सकते हो, जिससे आपका खर्च भी थोड़ा कम हो जाएगा और काम भी सही हो जाएगा। कंपनी इसके 2 स्प्रे रिकमेंड करती है। अब आपकी मर्जी है कि आप इसे 1 बार स्प्रे करें या 2 बार, या फिर आप हर स्प्रे में दवाई चेंज भी कर सकते हैं, जिससे आपको अधिक फायदा होगा। अगर आप इसके 2 स्प्रे करेंगे तो पहला स्प्रे सोयाबीन में जब फूल दिखने लगे यानी 35 दिन की अवस्था हो वहाँ पर करना है, और दूसरा स्प्रे पहले स्प्रे के 25 दिन बाद यानी 60 दिन की अवस्था में करना है। अगर आप कोराजन या वेस्टिकोर स्प्रे करते हैं तो यह लगभग हर प्रकार की इल्लियाँ खत्म करेगी, चाहे वो हरी इल्ली हो, चितकबरी इल्ली हो या काली इल्ली हो। इसका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। यह इल्लियों को तत्काल नहीं मारती है, धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से काम करती हैं। आप इसके साथ लेमड़ा या प्रोफेनोसाइपर डालते हैं तो ये तत्काल इल्लियों को मार देगी। कुछ दोस्तों ने पूछा था कि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं क्या, तो भाइयों मेरे पास भी एक खबर आई थी कि किसी न्यूज़पेपर में छपा था कि कृषि वैज्ञानिकों की रिसर्च में आया कि यह मिट्टी की उर्वरक क्षमता पर भी इफेक्ट डालती है, लेकिन उस खबर के बाद खास सुनने को नहीं मिला। अभी तो डाउट ही रह गया। अगर साइड इफ़ेक्ट होता भी हो तो हम इसे एक ही बार यूज़ करेंगे। वैसे भी इसका बार बार यूज़ करने पर असर कम हो जाता है। के ऑप्शन में भी आपको और कई दवाइयाँ मिल जाएगी जो 25 दिन का कंट्रोल दे, और वो आप यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं इसके मोटे मोटे दाने की, तो इसे हमने गलत तरीके से समझ लिया है। ये दाना भरने में कुछ भी काम नहीं करेगी, क्योंकि ये उसके लिए है ही नहीं। ये कीटनाशक है और सिर्फ इल्लियों को मारती है,
जिससे फूल और फलियां सुरक्षित रहती हैं, और अगर फसल सुरक्षित रहेगी तो अपने आप ही दाना भर जाएगा। ड्यूपोंट ने इसे गलत तरीके से पेश किया कि इससे फूल बढ़ेंगे और मोटा मोटा दाना हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। वहीं BASF ने इसे सही तरीके से प्रमोट किया कि इससे फसल सुरक्षित रहेगी, अगर फसल में इल्लियों से कोई नुकसान नहीं होगा तो फूल और दाने अपने आप ही अच्छे रहेंगे। आप कोराजेन या वेस्टिकोर दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में।